देख रही है। साथियों, इस मुल्क की आजादी में दो लोगों का बड़ा अहम योगदान है, एक पत्रकार और एक वकील। इन लोगों ने न्यूज़पेपर्स को हमारे राष्ट्रीय सचिव कशिश रासी जी, आप गुजरात के साथ सूफी संबोधन से हम लोगों को लाभान्वित करें। प्रफुल्ल निकलनी, मैं आप सभी को नमस्ते करता हूं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसएम खान जी और आदरणीय मंच, मैं यहां शायद आपको कुछ बोलने नहीं आया हूं, मैं बस अपनी खुशी जताने आया हूं आज के कार्यक्रम में। मैं मंसूर खान साहब से बहुत बार बात करता था इसमें कि ये दुनिया भर में जो हो रही चीजें, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मैं तो बाहर से चीजों को देखता हूं, तो मंसूर भाई हमेशा बोलते थे कि नहीं प्रफुल्ल जी, आप सही इस्लाम नहीं देख रहे हो, क्योंकि भारत में भी जो 80% जो है वो सूफी है। तो मैंने कहा जब 80% सूफी है तो फेस आपका कोई और क्यों है, मैं तो फेस देखूंगा ना, मैं तो बाहर वाला हूं तो मैं तो फेस देखूंगा। तो मैंने इनको कहा था, काफी बार हम बात करते थे 2-3 सालों से, कि मैंने कहा फिर आप फेस क्यों नहीं बनते हो, आप सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हो कि इस्लाम कैसा है। और मैंने कहा ये आपकी जरूरत नहीं है, ये दुनिया की जरूरत है। मैं एक छोटे छोटे दो एग्जांपल दूंगा दुनिया में क्या हो रहा है, आप सबको पता है, बट मैं थोड़ा रिपीट करूंगा। पहले हम पाकिस्तान का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हमारा नजदीक है, हमारा भाई है छोटा था। तो पाकिस्तान 1990 तक भारत से एक तरह से अमीर देश था, उसका जो पर कैपिटा इनकम होता है, जिसको हर आदमी को इनकम होती है, भारत से कहीं ज्यादा थी और एक बहुत मजबूत देश था। बट जब वहां पे अफगानिस्तान में कुछ शुरू हुआ तो वहां पे उन्होंने कट्टरता को ज्यादा महत्व दिया, और कट्टरता वो होती है कि आप शेर की सवारी कर रहे हो, कट्टरता तो वो है कि शेर की सवारी कर रहे हो। तो पहले आप दुश्मनों को खिलाते हो, पर धीरे धीरे जब दुश्मन खत्म हो जाते तो आपको खुद को खिलाना पड़ता है। और पाकिस्तान में आज यही हो रहा है, पाकिस्तान की आज हालत आप देख रहे हो सब, कि वो चाइना का एक कॉलोनी बन गया है, जबकि पाकिस्तान में हमारे से जमीन अच्छी है, क्योंकि पूरा पंजाब प्रांत है, उनका जमीन अच्छी है, और टैलेंट तो हर जगह होता है, टैलेंट किसी भी कम्युनिटी में या किसी देश में कम नहीं होता है, बट आप क्या दिखा रहे हो तो ये जरूरी है। फिर हम पाकिस्तान से थोड़ा शिफ्ट तालिबान में इसमें हो जाते हैं, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में तो कोई और है ही नहीं, वहां तो सिर्फ जहां तक मुझे पता है एक ही कौम के सब लोग हैं, तो क्यों मार रहे हैं अपने आप को? अगर पॉलिटिकल फाइट है, पॉलिटिकल फाइट हर जगह होती है, भारत में होती है, जैसे श्रीलंका में हुआ था, हर जगह पॉलिटिकल फाइट होती है, तो आप इलेक्शन लड़िए। और तालिबान को 5 साल मिला था मौका, और तालिबान का खुद का कंट्रोल खुद के लोगों पे भी नहीं है, क्योंकि अगर वही कट्टरता, जब आप राइड करते हो कट्टरता तो वो शेर की सवारी है। तालिबान ने जब इस बार उनको आना हुआ, सरकार में आने की बारी आ रही, तो उन्होंने थोड़ा अपने आप को मॉडरेट करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हम लड़कियों को पढ़ने देंगे, हम स्कूलों को बर्बाद नहीं करेंगे। बट जैसे 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 तालिबान आगे बढ़ रहा है तो स्कूलें बर्बाद हो रही है। और जब तालिबान के प्रवक्ता को पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपने तो कमिट किया था हमारे को, जो तो वो कह रहे कि हमारे कुछ कमांडर है वो कर रहे हैं, मतलब आपका खुद पे भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी दुनिया में हो रहा है, और इसलिए जरूरी है कि सूफी निज़म आगे आए और एक पूरा फेज बने, और आप दुनिया को बचाओगे। ये नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, लेकिन ये छोटी बात कर रहे हैं ये, क्योंकि आपको ये दुनिया को जरा, ये वर्ल्ड इंटीग्रेशन की बात है। एक चाणक्य एक बहुत अच्छी बात किया करते थे, कि वो कहते थे कि समाज को जो नुकसान हुआ है ये दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुआ है, वो सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ। और आप सूफी निष्क्रिय थे, तो आज मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी खुशी जताने आया हूँ कि आप संगठित हो रहे हैं। जब आप संगठित हो गए और आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत एक अच्छा माहौल बनेगा, पूरे दुनिया में बनेगा। मैं एक जगह से आता हूँ, उस महाराष्ट्र में एक जगह है मंगरूल पीर करके, और वहां पे पीर बाबा का बहुत बड़ा दरगाह है, और हम बचपन में जाते थे तो हमें तो कभी नहीं लगा यार हिंदू के मैं किसी मुसलमान की जगह जा रहा हूँ, या वहां पे भी हमें कभी नहीं लगा। पर अब जो माहौल बना पूरे देश में, आप टीवी डिबेट देखते हो, मैं अभी सूफी इस्लामी पढ़ को ये करता हूँ कि वो अपने प्रवक्ताओं को भेजते हैं, तो थोड़ी बात अभी जब मैं यहाँ बैठ के बातें सुन रहा हूँ, तो हमारी और आपकी तो समस्या एक ही है, जो बातें की अभी भी इन्होंने, तो समस्या तो एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बच्चों की एजुकेशन की बात है, स्वच्छता है, तो फिर इतनी दरार क्यों पैदा की जा रही है देश में? तो वो कोई धर्म की भी अब दरार नहीं हो रही, किसी को धर्म की नहीं पड़ी है, वो पॉलिटिकल दरार है, क्योंकि किसी को आपके धर्म को कंट्रोल करके आप कैसे वोट बैंक हो सकता है, कोई एक धर्म वोट बैंक हो कैसे सकता है? क्योंकि धर्म में अगर भैया आपका अगर 20 करोड़ पॉपुलेशन है तो हर एक का वोट अपना वोट है, हर एक की अपनी सोच है,
जैसे महाराष्ट्र के मुद्दे अलग है, एमपी के मुद्दे अलग है, यूपी के मुद्दे अलग है, तो आप पूरे देश में एक वोट बैंक कैसे, एक धर्म को आपने सिर्फ वोट बैंक बना दिया। क्यों सच्चर कमेटी की जरूरत पड़ी? हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि सच्चर कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी। अगर पूरा पराठा हुआ आपके सीएम के, आपके मिनिस्टर से, आपके, तो आपको जरूरत क्यों पड़ी? मतलब कमजोरी आपके अंदर है। जो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, आप जब तक सरकार पे डिपेंडेंट रहोगे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप किसी भी समाज की बात करो, आप कुछ नहीं हो सकता। आज प्राइवेटाइजेशन इतना बड़ा है कि सरकार के पास बहुत अच्छी मूवमेंट है और आप सबको बहुत आपके ऊपर जिम्मेदारी है। एक भारत के दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं अपनी बात को ये करूंगा। एक हम कश्मीर का उदाहरण देते हैं। कश्मीर में जब तक सूफी था तब कश्मीर स्वर्ग था। जैसे वहां से सूफी हटा, आज वहां पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो आप अपने मरने के आंकड़े देख लो, वहां जो डेथ हो रही है, इंजर्ड हो रहा है, वो क्या हिंदू थोड़ी हो रहा है? इंजर्ड तो हिंदू तो यहां से निकल गया, अब बाकी भी निकल गए, तो वहां पर मुस्लिम ही मर रहा है। जो मर रहा है, जो फ्रंट लाइन में पुलिस वाले मर रहे हैं, जो सारे, तो दोनों तरफ से मुस्लिम मरते जा रहे हैं। तो जब तक वहां सूफी था वो स्वर्ग था। वहां पे आपका ये होता था, जो मूवीज है आप भारत की सारी पुरानी मूवीज देखो, सब जगह तो कश्मीर में ही होती थी। और नुकसान ये हुआ कि कश्मीर का मूवी बंद हुआ, मतलब वहां का शूटिंग बंद हुआ, तो स्विट्जरलैंड वाले कमा रहे हैं, बाहर वाले कमा रहे हैं, मतलब भारत का पूरा नुकसान होते गए। इसलिए कहीं ना कहीं जरूरत है कि आप अपनी आवाज बुलंद करो। एक अच्छा मौका मिला है और जब यहाँ से आवाज बुलंद होगी इस देश से, तो आप देखिए पूरी दुनिया में आपकी आवाज सुनी जाएगी। आपको एक बहुत मजबूत, मैं दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे ये नहीं कि चीजें आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है। ये नहीं कि आपको शायद अभी ज्यादा नुकसान भी ना हो, बट जो लोग यंग है या जो भी है जिनके बच्चों को, कैसे आप केरल का एग्जाम्पल लीजिए। केरल के गवर्नर साहब भी थे, केरल से 4 या 5 लड़के उधर लड़ने गए थे तालिबान में, और उनकी फैमिली को लेके गए। वो तो वहां डेथ हो गई उनकी, अब उनकी फैमिली का क्या हो रहा है? उनको कोई कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनके बच्चों का क्या होगा? तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ये छोटे पद में हमारे को थोड़ा अच्छा लग जाता है कि भैया ये हो रहा है। और धर्म इतना बड़ा, अगर भारत में तो मैं बोलता हूँ माइनॉरिटी भी नहीं कह सकते आप, तो इतना बड़ा अगर धर्म, तो कैसे खतरे में हो सकते हो आप लोग? बट जब तक कोई, क्योंकि जब तक आप खतरे में हो किसी का फायदा हो रहा है। जब आपको लगेगा कि मैं खतरे में नहीं हूं तो किसी का फायदा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी राह बहुत कठिन है। मैंने सुना यूपी में आप पे अटैक हो रहे हैं, तो ये तो आप, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो आप ही हो उन लोगों के लिए, हम तो बाद में आएंगे, सबसे पहला तो टारगेट आप लोग हो। तो इसलिए थोड़ा मजबूती बढ़ाइए। अगर 80% लोग हैं तो जैसे इन्होंने कहा स्ट्रक्चराइज कीजिए। वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है, मैं जैसे बोल रहा था पहले से, मैं बोलता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर होनी चाहिए, आपका लीगल होना चाहिए। आपने हर जो इस प्रोग्राम में तो आवाज बुलंद करें, लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं उसमें जाके आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं मीडिया में, जहां जहां पॉसिबल है, जो भी डिबेट्स होते हैं वहां पे आप जाके अपने लोगों की बात रखी है। और जहां भी पॉसिबल है, हम सिर्फ सोशल मीडिया में लिखते हैं या उससे कुछ नहीं होता है, जब तक आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, लीगल स्ट्रक्चर में जाके अपनी बात नहीं उठाएंगे, प्रॉपर जो मीडिया में प्लेटफॉर्म में बात नहीं उठाएंगे। लेकिन उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो पूरे देश में रिपीट हो सकता है। अगर दरगाह की इतनी प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी है, आपको गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप क्यों चाहिए? आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, गवर्नमेंट इतनी ताकतवर नहीं है, कुछ नहीं दे सकती गवर्नमेंट। आज मैं एक आखिर में एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। TCS आज 5 लाख एम्प्लॉइज को हायर करती है, हर एक का सैलरी 50,000 के ऊपर है। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट इतने लोगों को हायर नहीं करता है। इसलिए पूरे नीचे तक अपनी सोच बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और मंसूर खान साहब ने एक अच्छा ये किया है, तो इसमें अपने अपने राज्य में, अपने गाँव में इस सूफी इस्लामिक बढ़त को मजबूत कीजिए, ताकि आज जो भारत में एक तनाव चल रहा है या पूरे दुनिया में तनाव चल रहा है, उसके एक आप फ्रंट लाइन लड़के पूरे देश का नहीं पूरे दुनिया का इंडिकेशन आप कर सके। मुझे, मैं मंसूर भाई का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप सबने मेरी बात सुनी, इसलिए आप सभी का धन्यवाद।